हेलो बच्चों, की हाल चाल? सबसे ज्यादा आप सबका स्वागत हो आप सबके अपने यूट्यूब चैनल भाई। सिर्फ एक महीना बचा है और देन उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ऐसे दिन खत्म हो रहे हैं तो आपके अंदर एक फियर बढ़ता जा रहा है और एक एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। बिकॉज अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 10th क्लास वाले फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे होते हैं, जिस करके उनके अंदर एक फियर होता है कि बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, या फिर उनको एक्साइटमेंट भी होते हैं कि यार यार इस बार तो हम डिफरेंट स्कूल में जाकर एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर मैं आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए और आपके फियर को कम करने के लिए यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी कर रहे हो। मैं यहाँ पर गाइड करने नहीं आया कि आप एनसीईआरटी करो या सैम्पल पेपर करो। मुझे पता है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर चुके होंगे, साथ के साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, और सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ के साथ एक आपने बुक ले ली होगी सैम्पल पेपर की, जिसको आप डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट यहाँ पर मैं आपको कहने आया हूँ कि क्या आपने सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप कोई एग्जाम भी देते हो, आप एनालाइज करते हो कि आपको कौन से चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट में आप वीकनेस हो या फिर किस में आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कभी आपने उसको एनालाइज करते देखा है, या फिर अगर आपने एनालाइज किया तो क्या उसको ओवरकम किया है? मेरा आंसर तो शायद नहीं होगा, बिकॉज आपने इन चीजों को नहीं किया होगा। बिकॉज अगर आपके प्री बोर्ड में भी कम मार्क्स आएंगे तो आपने एक दो दिन सोचा होगा यार ये चीज मैं अब ठीक करूंगा, क्या 2-3 दिन के बाद आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी होगी? तब भी मेरा आंसर नहीं होगा, बिकॉज आप उसको भूल जाते हो। और इसलिए यहाँ पर मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि लास्ट 1 महीने में आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करो। बट यहाँ पर मैं जो चीज आपको बताने आया हूँ, अगर आप उसको भी एड ऑन कर दोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी चली जाएगी। बिकॉज 1 महीने में आपने अब सारे सब्जेक्ट को फटाफट रिकॉल करना है, बिकॉज जब आपके नेक्स्ट मंथ से अगर आपके 20 फरवरी के बाद आप क्या करोगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, फिर तो आप मिक्सअप तैयारी नहीं करोगे। बिकॉज आपको बताया कि 18 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 को आपका पहला पेपर है फ्रेंच का, देन उसके बाद हिंदी का, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, तो बस इस 1 महीने में तो आप क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट को एक बार रिकॉल करके रख लोगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप 1 महीने में जैसे तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अगर आप उसको भी कर लोगे तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। बिकॉज इस महीने में अगर आप वो चीज भी कर लेते हो जिससे आप एनालाइज कर लोगे कि आप किस पार्ट में वीक हो, किस पार्ट में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ओसवाल पब्लिशर और गुरुकुल आप सबके लिए लेकर आया है यहाँ पर रियल एग्जाम मॉक टेस्ट पेपर, वो भी अपनी osval.io ऐप पर। तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बट पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि ओसवाल पब्लिशर गुरुकुल आप सबके लिए लेकर आए रियल एग्जाम मॉक टेस्ट पेपर, जो आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो 10 मिनट से 3 घंटे तक का। इसमें आपको 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पर पहले आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करना है, और देन उसके बाद अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देना है। जैसे सपोज अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो देन फिजिक्स क्लिक करोगे, देन उसके बाद आप पर्टिकुलर चैप्टर्स को सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद लेवल आप सिलेक्ट करोगे, और देन उसके बाद टाइमिंग सेलेक्ट करोगे कि आप कितने ड्यूरेशन का टेस्ट देना चाहते हो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, और लास्ट में आपको एनालाइजेशन के लिए आपको मिल जाएगा कि आपके किस पोर्शन में आप स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है और किस में आपकी वीकनेस है, देन आप फिर उस पर तैयारी करोगे। तो मतलब यहाँ पर आपको साथ के साथ आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को भी बताया जाएगा, जिससे आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। बिकॉज आप स्कूल में एग्जाम देते हो या फिर ट्यूशन में एग्जाम देते हो तो कई बार उसका रिजल्ट नहीं बताया जाता, तो जिस करके आपको ये नहीं पता चलता कि यार मेरे को किस सेक्शन में ज्यादा और काम करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो और यहाँ पर आपको कोई पैसा भी नहीं खर्चना है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐप आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है। तो इसलिए अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो एज पर लेटेस्ट सिलेबस तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इसे क्लिक करें और फटाफट डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। जैसे आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो वैसे करते रहो, बस आपके साथ इसको एड ऑन कर दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ पॉइंट कैसे है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सबके साथ शेयर करने आया था, और मुझे पता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे होगे, और प्री बोर्ड में जो आपने गलतियां करी होगी आप उसको आप दोबारा ओवरकम करते हुए आप ठीक करोगे, और जो गलती आपने कर दिया उसको आपने दोबारा नहीं दोहरानी। और साथ के साथ अगर आपने हर एक चैप्टर की प्रेजेंटेशन टिप नहीं देखी है कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, तो सारी वीडियोस मैंने डाल दी ऑलरेडी, अगर आपने वो नहीं देखे तो सारी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले लेना। और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए, आपको मैथ्स में कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आ रही है हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द रिजॉल्व करेंगे अनदर वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखें, बिकॉज इसे 1 महीना बचा है, 1 महीने में अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इस करके मन लगा के पढ़ते रहे, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, बिकॉज 1-1 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।